हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी आलू से बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप इसे अपने घर में ज़रूर बना के देखें। इसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े आलू को अच्छे से ग्रेट करके साफ़ पानी से धो लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ इन्ग्रीडियंट्स। डालेंगे छोटा सा प्याज चॉप किया हुआ, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, 1/2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी को डाल लेने के बाद अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालेंगे हम 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और एक और बार इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उठाएंगे और एक बॉल का शेप देते जाएंगे। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप नगेट्स के शेप में भी दे सकते हैं स्क्वायर, मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं बना के तैयार कर लूँगी गोल शेप में। अगर गोल बनाते हुए कुछ इस तरीके से आपका पानी निकले, तो हम इस तरीके से हाथ में लेंगे थोड़ा थोड़ा और पानी निचोड़ते जाएंगे। ज़्यादा हमें पानी नहीं निकालना है इसका, हल्के हाथों से निचोड़ेंगे और इस तरीके से बॉल्स बनाते जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें एक एक करके नाश्ता डालते जाएंगे। 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे, जब तक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। एक बड़े चम्मच की मदद से हम लगातार इसे हिलाते जाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के ये तैयार होगा। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे लगातार हिलाते हुए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होता है। आप चाहे तो इसे टमाटो केचप या फिर चाय के साथ सर्व करके भी खा सकते हैं। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में अब, और तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बॉल्स। ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप चाहे इसे टमाटो केचप या फिर चाय के साथ भी सर्व करके खा सकते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ।